हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्रियदर्शनी टॉक्स वंस अगेन। प्रियदर्शनी टॉक्स में मैं प्रियंका प्रियदर्शनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर फाइन एंड फुल ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ क्योंकि मैं 3-4 दिनों से लगभग मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि आई वॉज हैविंग कफ एंड कोल्ड एंड टिल नाउ आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड। सबसे पहले हमारे रुद्रवीर को फीवर आया और नेक्स्ट डे मम्मा को फीवर आ गया। तो यहाँ मुंबई में मौसम जैसा कि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, वेदर कभी ठंडी सी लगती है रात को, कभी गर्मी सी लगने लगती है अचानक, तो ये हेल्थ पे तो इफेक्ट आता ही है। तो लिविंग ऑल दिस अपार्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव कम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्कस समथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ आर मोस्ट टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। एंड द एक्टर इज ओम पुरी, मिस्टर ओम पुरी। जी हाँ, मिस्टर ओम पुरी जी, जिनकी डेथ एनिवर्सरी भी 6 जनवरी को होती है। 6 जनवरी 2017 को मुंबई में ही ओम पुरी जी का निधन हो गया था। और ये वीडियो इनफैक्ट मैं 6 जनवरी को ही पोस्ट करने वाली थी लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज के कारण मैं पोस्ट ना कर पाई। तो क्योंकि इनफैक्ट 6 जनवरी को उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो आइए जानते हैं ओम पुरी जी के जीवन के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। ओम पुरी के बारे में शुरू करूं तो ओम पुरी जी बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। जी हाँ, बहुत ही गरीब थे वो, बहुत ही ज्यादा गरीब थे कि 7 साल की उम्र में श्री ओम पुरी जी को नौकरी करनी पड़ी थी अपने घर को संभालने के लिए। वो कोयला चुनते थे, कोयला बिनकर जो पैसे मिलते थे उनसे वो अपना गुजारा किया करते थे और अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। और इसी उम्र में उन्होंने ढाबे में भी काम करना शुरू कर दिया था। ढाबे में वो बर्तन धोने का काम करते थे और ढाबे का मालिक, एक बार ढाबे के मालिक ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उनको काम से भी निकाल दिया था। वो कहते हैं ना कि अगर हम पर कोई दुख आता है, हम पर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले हमें लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वही उनके साथ हुआ था। ढाबे के मालिक ने उनको चोरी का इल्जाम देकर उनसे उनको घर से निकाल दिया था, उनके नौकरी से निकाल दिया था। ओमपुरी जी के घर के पीछे एक रेल यार्ड था जिसमें ज्यादातर रातें वो बिताया करते थे रेल के डब्बे में सोकर। तो इसलिए रेलों से उन्हें खासा अपनापन हो गया था, उनको उनका घर लगता था रेलवे का डब्बा। तो उनको बचपन से ही रेलवे में ड्राइवर बनने का बड़ा शौक था। उनको मन था कि मैं जब बड़ा हो जाऊं तो रेलवे का ड्राइवर बनूं। ऐसे ही वो थोड़े बड़े हो गए जब, तो वो फर्दर स्टडीज करने उनको भेज दिया गया पंजाब के पटियाला में, उनके नानी के घर वो गए वहां पढ़ाई करने के लिए। वहां पर एक बुक है उनकी पत्नी द्वारा लिखी हुई जिसका शीर्षक है असाधारण नायक ओमपुरी। जी हाँ, इस बुक में उन्होंने लिखा है कि जब वो अपनी नानी के यहाँ गए पढ़ने के लिए तो उनको उनका पहला प्यार हुआ महज 14 साल के उम्र में। और क्या आप जानना चाहेंगे कि उनका पहला प्यार कौन था महज 14 साल के उम्र में? तो लीजिए, सुन लीजिए, जिसको सुनकर जिसको पढ़कर मैं भी आश्चर्यचकित हो गई थी। हिज फर्स्ट लव एट द एज ऑफ 14 वॉज हिज सर्वेंट, जो कि लेडी सर्वेंट थी, उनकी नौकरानी, 55 साल की नौकरानी से उनको पहला प्यार हुआ था 14 साल की उम्र में, जिसके साथ उन्होंने जिस्मानी रिश्ते भी कायम कर लिए थे। तो ये खुद उनकी पत्नी लिखती है उस किताब में उनके बारे में। और ओम पुरी जी ने बहुत सारे काम किए, बॉलीवुड में अपना नाम ही रोशन नहीं किया है। बॉलीवुड में ही उनके फैंस नहीं है बल्कि हॉलीवुड में भी उनके फैंस हैं। उन्होंने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज की है जैसे कि ईस्ट इज ईस्ट, वुल्फ, द सिटी ऑफ जॉय एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, जिनके वजह से उनके बहुत सारे फैंस हैं। बहुत ज़्यादा सराहना हुई है उनके कामों की। बाद में जब वो उनकी शिक्षा नानी के यहाँ हुई, अपने मामा के यहाँ हुई थी, उसके बाद उनका रुझान जो है वो फिल्मों में आ गया, एक्टिंग में आ गया रुझान। तो वो नाटक किया करते थे और साथ ही साथ एक लॉयर के यहाँ वो मुंशी का काम भी किया करते थे। तो लेकिन नाटकों में उनकी दिलचस्पी ज्यादा रहती थी तो यहाँ मुंशी के काम में ज्यादा इफेक्ट होने लगा था तो मुंशी ने उन्हें काम से निकाल दिया था। जब ये बात उनके केमिस्ट्री टीचर ने जानी थी, मतलब उनके कॉलेज में जब ये बात पता चली केमिस्ट्री टीचर को, तो उस टीचर ने उन्हें केमिस्ट्री क्लास में, उन्हें केमिस्ट्री लैब में सॉरी, उन्हें असिस्टेंट की नौकरी दे दी थी। तो यूं उनका काम चलता था और साथ ही साथ वो एक्टिंग करते थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री ओम पुरी जी की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी उनकी जो थी उनका नाम सीमा था, उनसे तलाक होकर
उनकी शादी उनकी दूसरी पत्नी से हुई थी और उनका एक बेटा है भी है। तो ये ओम पुरी की जीवन की सारी जिस्ट मैंने बताई और इसमें हम सब जान सकते हैं, हम सब ये सुनकर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितनी कठिनाई के बाद एक अभिनेता उभरा था और कितनी कठिनाई जीवन में सहकर लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नाम कमाते हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम नंदिता पुरी है और उनका एक बेटा भी है ईशान। और यूं ओम पुरी की ये कहानी है, कॉम्पैक्ट लाइफ की ये कहानी है, जो कि मैंने आपको एक समरी दे दी है। ऐसी कहानी होती है, लोग आते हैं, अपना नाम करते हैं और चले जाते हैं और बस यादें रह जाती हैं। ऐसा ही ओम पुरी की भी यादें हमारे साथ, हमारे दिलो दिमाग में हमेशा ताज़ा बनी रहेंगी। उनकी मूवीज़ जब भी हम देखते हैं तो उनकी यादें हमेशा रहती हैं हमारे साथ। और वो महान नायक भी हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही महान नायक रह चुके हैं। तो ए ग्रेट ग्रेट सैल्यूट टू ओम पुरी फ्रॉम ऑल ऑफ अस ऑन द यूट्यूब। सो दिस इज प्रियंका प्रियदर्शनी साइनिंग फ्रॉम प्रियदर्शनी टॉक्स। हाउ डिड यू लाइक दिस? इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब येट। फॉर दैट प्लीज क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब आइकन एंड देन प्रेस द बेल आइकन टू रिमेन नोटिफाइड एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इन फैक्ट्स को नहीं जानते होंगे। सो सॉरी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक इट, कमेंट ऑन इट, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय, लव यू।